सो है गाइस, आई एम बैक विद न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 या 4 वीक्स से कुछ व्लॉगिंग नहीं करूँ, कुछ अपलोड ही नहीं करूँगा कंटेंट। ठीक है, तो आज से अपन काइंड ऑफ वीकली एटलीस्ट 1 व्लॉग डालेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 1 व्लॉग। ठीक है, सो एंड आज मेरी डेड लिफ्ट है। ठीक है, एंड थोड़ा मेरे को काइंड ऑफ का नर्वसनेस हो रहा क्योंकि मैं 3 दिन के बाद कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। ठीक है, सो आज मेरी डेड लिफ्ट है, मेरी काइंड ऑफ वॉच हैवी डेड लिफ्ट है क्योंकि मैं एक प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, वो प्रोग्राम का ब्लॉक 2 चल रहा, मतलब एक हाइपरट्रॉफी ब्लॉक रहता, एक स्ट्रेंथ ब्लॉक रहता, देन एक पीकिंग ब्लॉक रहता। ठीक है, मैं सब फॉलो करता हूँ। सो स्ट्रेंथ ब्लॉक का 4th वीक चल रहा है, तो मेरे को आज RP9 पे डेडलिफ्ट करना है। RP9 मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा हैवी है, मतलब 215 kg पे मेरे को 3 रेप्स मारना है। काइंड ऑफ मेरा PR है, रेप PR होने वाला है क्योंकि मैं लास्ट 215 पे 2 लिया था, तो 215 पे 3 विथ काइंड ऑफ कम बॉडी वेट पे, मतलब मेरा बॉडी वेट थोड़ा कम चल रहा है, 75 कुछ रहा। ठीक है, 75.4 था कुछ अराउंड ही है। ठीक है, मैं और कट करने वाला हूँ, मैं 74 के अंदर और डीप आने वाला हूँ, 73 रखना है बॉडी वेट। ठीक है, सो लेट्स गो, अपन जाएंगे जिम को। एंड अब जो हम जिम को जा रहा हूँ ना, वो जिम में काइंड ऑफ 25 kg के प्लेट्स ज़्यादा है, मतलब अराउंड 10 प्लेट्स है। ठीक है, सो 260-270 लोडेड हाली 25 प्लेट्स है। सो वो एक अच्छी चीज़ है, मज़ा आती है, अपन को ज़्यादा स्ट्रेंथ वेस्ट नहीं होती डेडलिफ्ट के बारे में वेट ऐड करने में। सो लेट्स गो। एंड मेरा बॉटल कहाँ है गाइस, वेट सेकेंड गया, यप ये बॉटल लेके जाएंगे आज। ठीक है, मेरे को बार बार जाके जिम में जाके लाइक घूम के उतनी दूर फिल्टर के पास जाके पानी पीना नहीं होता था, सो ये बॉटल कैरी कर रहा हूँ। सो लेट्स गो एंड बाय, मीट यू देयर एट द जिम। सो लेट्स गो एंड थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेने की ट्राई करेंगे, लाइक गाड़ी एंड ऑल की। ठीक है, लेट्स ट्राई करेंगे, आई तो ट्राई करता हूँ तो नहीं हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस अपन अब डेडलिफ्ट का वार्म अप करेंगे। मैं डेडलिफ्ट के वार्म अप में ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट नॉर्मल फॉर्म रोलिंग करता हूँ एंड थोड़े स्ट्रेचेस करता हूँ, लाइक कोबरा पोज एंड बेबी पोज जस्ट। ठीक है, एंड नॉर्मल फॉर्म रोलिंग करता हूँ। सो मैं फॉर्म रोलिंग मेरे बैक पे एंड हैमस्ट्रिंग पे करने वाला हूँ, आप वो देखो। ठीक है, अब ये शूट कर आवाज मेरी फेस हाइड हो गई थी मैं बोलते हुए, सो अगेन रिटेक कर रहा हूँ, जस्ट देखो अगेन। ठीक है, लेट्स गो। इसके बाद अपन अब डायरेक्ट आपको मैं डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म में मिलता हूँ, मतलब डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। सो गाइस, ये डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म है एंड ये देखो पूरे बार लोडेड है, ये पूरे बार एम्प्टी, मतलब ये बार पूरा एम्प्टी करना है मेरे को, फर्स्ट वाला टैन करना है, मतलब उसमें मेरी पूरी स्ट्रेंथ चलाती। सो गाइस, कभी भी आप कोई भी जिम विजिट करें तो प्लीज़ वेट रिलैक्स करो। ठीक है, प्लीज़ मेरे से लोगों को परेशानी होती। ठीक है, सो मैं जा रहा हूँ रिलैक्स करने, ये बिकॉज मैं नहीं करा फिर भी रिलैक्स करना पड़ा। सो चलो रिलैक्स करके वार्म अप। सो गाइस, ये मेरा सेकंड वार्म अप सेट है। पहले वार्म अप सेट में मैं वीडियो प्ले करना भूल गया, मतलब मैं को बार बार काइंड ऑफ रीटेक करना पड़ा क्योंकि एंगल का इशू हुआ। ठीक है, सो अपन मेरा सेकंड वार्म अप सेट है, बैक टू बैक 2 वार्म अप करा एक वेट पे मैं, सो गुस्सा आ रहा मेरे को। सो मेरा सेकंड वार्म अप सेट है, ये 100 kg कुछ है, 120 का वार्म अप है। इसके बाद एक वार्म अप लेता हूँ आई गेस, देन आई विल गो फॉर माई टॉप सेट। सो लेट्स गो, स्मूथ मूव करेंगे ये भी। ठीक है, लेट्स गो। एंड गाइस, ये मेरा प्री वर्कआउट लिया, मेरे प्री वर्कआउट वेस्ट है गाइस, न कोई यूज़ करो कुछ भाई प्री वर्कआउट, मेरे पे ज़रा भी काम नहीं कर रहा, आप लोग पे काम करता है गेस, मेरे पे तो ज़रा वर्क नहीं कर रहा। सो लेट्स गो। Thank you.
सो गाइस आज मेरी डेडलिफ्ट है, मेरे को आज 215 के 3 रेप्स लेने का है। आज का मेरा टॉप साइड है वो, सो मेरे को उसको बहुत स्मूथ मूव करना है, ठीक है। जैसा ये साइड बार लोड कर जाए उस साइड बार लोड करना है, सो लेट्स गो, स्मूथ मारेंगे। सो गाइस ये मेरा, सो गाइस मेरा टॉप सेट हो गया। सो मेरे को बैकडाउन लेना है, बैकडाउन कुछ कितना है मतलब बैकडाउन मेरा, ठीक है बैकडाउन कितना है मेरा 187 बैकडाउन लेना है मेरे को, बैकडाउन भी याद नहीं है, ठीक है। मैं बहुत फटीग हो गया आफ्टर टॉप सेट, जर भी एनर्जी नहीं बची हुई है 215 फॉर 3 मारे बाद में, ठीक है। सो अब ये बैकडाउन के 2 सेट लेना है मेरे को, सो ये बैकडाउन के 2 सेट्स लेना है मेरे को 187 के 4 रेप लेना है 2 सेट्स बैकडाउन के। सो लेट्स गो, स्मूथ मूव करेंगे। तो गाइस मेरा टॉप सेट हो गया, बैकडाउन सेट मैं एक ही रैप लिया, उसके बाद मेरे पास जरूरी एनर्जी बची भी नहीं है अब कि मैं मेरा बैकडाउन सेट कंप्लीट करूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ही रैप अप कर रहा हूं, ठीक है इतना ही है। अब करे थोड़ा बैक वॉर्ड करता हूं, करे तो बिकॉज मेरे पास 0 एनर्जी है अब राइट नाउ, बहुत फटीक, नेक्स्ट लेवल फटीक हो गया मैं, ठीक है। 215 लेकिन अच्छा गया, एक बात की खुशी है कि भाई 215 के 3 आए, ठीक है। जो एंड ऑफ द प्रोग्राम होने का था मेरे को वो हुआ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉक है वो पीक वीक ब्लॉक है, उसमें पीआर मारना है 4 वीक्स के बाद। अब टोटली 4 वीक्स आउट हूँ मैं पीआर से, 235 केजी पीआर मारना है दिस टाइम, ठीक है। सो लेट्स गो, यहाँ पे एंड कर तो करता हूँ ब्लॉक, नहीं तो कंटिन्यू होता, ठीक है। देखेंगे कैसा फील होता, इस हिसाब से लेंगे डिसीजन, ठीक है लेट्स गो। सो जो गाइस मेरे को ना न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन में अच्छा खासा लैट एंगेजमेंट मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन करता हूँ एंड मैं न्यूट्रल ग्रिप पुलअप भी करता हूँ, जैसे कि आप मेरे रील्स देखे होंगे, ठीक है। सो ये बेस्ट वेरिएशन है, अब आपके बैक वर्कआउट में ऐड करो, ठीक है। Eight, nine, ten.